अगली खबर अयोध्या से है। 28 वर्ष बाद पुत्र की प्राप्ति होने पर एक ही परिवार के लोग हर साल एक बड़े स्तर भव्य तरीके से स्थापित करते चले आ रहे हैं। माँ दुर्गा की प्रतिमा इन दिनों ग्रामीण अंचलों में इस बार दुर्गा पूजा की धूम अलग ही दिख रही है। बीकापुर के ग्रामीण इलाकों में पंडालों पर माँ की भक्ति भक्तों के सिर चढ़कर बोल रही है। इसी कड़ी में बीकापुर तहसील के काली अहीर का पूर्वा कटारी गांव में 20 वर्षों से अनवरत रूप में पंडाल की शोभा मां की प्रतिमा स्थापित कर इस बार भी बढ़ाई जा रही है। नव दुर्गा पूजा समिति कटारी के तत्वाधान में आयोजित होने वाली दुर्गा पूजा इस बार ग्रामीणों की आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। समिति के अध्यक्ष राजेश यादव बताते हैं कि 9 दिन तक मां की पूजा अर्चना ग्रामीण महिलाओं व पुरुषों द्वारा प्रतिदिन की जाती है। तदुपरांत अष्टमी के दिन माता रानी को पलटू वीर नदी पर विसर्जित किया जाता है। उन्होंने बताया कि इस बार समिति के कार्यकारी अधिकारी विश्वजीत यादव, क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रधान संत रंग निषाद समेत दिनेश कुमार, राकेश कुमार, शेष मणि यादव 1998 से ग्रामीण अंचलों में माता दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करके पूजा पाठ कर रहे हैं। जय बोल मठावीर बाबा की, जय बोल टिकरावीर बाबा की, जय बोल सच्चे दरबार की, जय प्रेम से बोलो, जय माता की, प्रेम से बोलो, जय माता की, प्रेम से बोलो, जय माता की, मिलकर बोलो, जय माता की, मिलकर बोलो, जय माता की, मिलकर बोलो, जय माता की, जोर से बोलो, जय माता की, जोर से बोलो, जय माता की, जोर से बोलो, जय माता की, प्रेम से बोलो, जय माता की, प्रेम से बोलो, जय माता की, प्रेम से बोलो, जय माता की, मिलकर बोलो, जय माता की, छप्पर वाली, जय माता की, छप्पर वाली, जय माता की, छप्पर वाली, जय माता की, 1 2 3 4 भैया जी की जय जयकार, 1 2 3 4 भैया जी की जय जयकार, 1 2 3 4 भैया जी की जय जयकार, 10 11 12 भैया जी का एक सहारा, 10 11 12 भैया जी का एक सहारा, 10 11 12 भैया जी का एक सहारा, बोल सच्चे दरबार की, जय काली मैया की, जय जयवीर बाबा की, जय बोल पहलवान वीर बाबा की, जय। उसके बाद 9-10 दिन पूजा करते हैं। उसके बाद में फिर दसवीं के दिन, नौवीं के दिन मतलब हवन वगैरह होती है, फिर दसवीं के दिन, नौवीं के दिन भंडारा होता है। उसके बाद में फिर जो है विसर्जन किया जाता है पलटू वीर बाबा पे। नहीं, जैसे कभी सुंदरकांड हो गया, कभी कथिक वाला प्रोग्राम हो गया, कुछ दिन जागरण भी करवा देते हैं, फिर कीर्तन भी होता है। हम लोग बैठ कर खुद कीर्तन कर देते हैं यहाँ पे माता जी के दरबार में। हर दिन अलग अलग प्रकार से होता रहता है, होता रहता है, इसे कोई हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। और जब से बैठा रहे हैं तब से मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी कोई दिक्कत नहीं हुई हम लोगों को। हम छोटे से थे तो मतलब से ही अपने शौक थी, बस उसी पढ़ के आ रहे थे। एक लोग हमारे गांव के हैं, बगल बैठाते थे राम रही जी, तो मतलब हमारी भी इच्छा हुई कि माता जी को हम भी बैठाएंगे। बस उसी दिन से आए, और मतलब पहले काबिल नहीं थे, मूर्ति लाने की व्यवस्था नहीं थी, बहुत गरीब थे। उसके बाद में फिर फोटो लगा के मतलब 10 साल 15 साल लगभग मतलब बैठाते रहे। उसके बाद फिर धीरे 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 भी मूर्ति प्रतिमा लाते गए। उसके बाद में माता जी उस काबिल बनाती गई हम लोगों को, तो भाई हम लोग आगे बढ़ते गए धीरे धीरे उनका, फिर बैठाते रहे। काली अहीर का पूर्वा कटारी, हम लोग इसको विगत 20 वर्षों से माँ की श्रद्धा करते आए हैं। प्रवास से लेकर के नौमी तक भंडारा, कीर्तन आदि कार्यक्रम होते रहते हैं। हम लोग दसवीं को इसको पलटू वीर बाबा पे विसर्जित करते हैं। सारे गांव में माहौल खुशी रहता है। इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम होता है कि कब रात बीत जाती है हम लोगों को स्वयं मालूम नहीं होता है। और हमारे गांव के जो भी महिला जो पुरुष हैं वो लोग सबका योगदान हमारे माता जी के दरबार में बराबर होता रहता है। बोल तो